छतरपुर में पांच नकाबपोशों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर कट्टे की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करते हुए कहा कि लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने YouTube वीडियो का सहारा लिया था। छतरपुर में बीकानेर मिष्ठान भंडार के मालिक ओम प्रकाश पुरोहित रात में अपने परिवार के साथ घर पर थे, तभी तीन नकाबपोश बदमाश कट्टा और चाकू लेकर घर के अंदर दाखिल हो गए, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने कट्टे की नोक पर व्यापारी को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट करते हुए मौत की धमकी देकर व्यापारी के घर से कैश सहित सोने चांदी के जेवर बैग में भरकर फरार हो गए, जिसका आंखों देखा हाल सुनाते हुए व्यापारी ओम प्रकाश पुरोहित ने कहा कि आरोपियों ने घर में घुसते ही हम लोगों के मुंह पर टेप लगाकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया और सबके साथ मारपीट की घटना। और रात में डकैती टाइप लूटपाट हो गई, पांच छह जने लड़के ऊपर आ गए, बंद कट्टे की नोक पर के उनने बच्ची पे गर्दन पे रख दिया, बोले जेवर और सोना चांदी कहाँ है दे दो वरना, बोले बच्ची को मार रहे। हमने कहा भैया बच्ची अच्छी को काय मार रहे, सबके मुंह बांध दे टेप वेप लगा ले, अली अलमारी वो अलमारी उसी में चाबी निकाल लो ले जाओ जैसिया, अलमारी का निकाला था सरिया अलमारी तोड़ गया, उसमें चादर फंसा के वो फोन नजदीक किया, फिर बच्ची ने हाथ से उठाया उसी से फिर पहले दोस्त को बुलाया, फिर पुलिस उसको सूचना दी, 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई, सोना चांदी जेवर दे थोड़े बहुत, बाकी कैश था सब वो उनको जो मिला वो सब ले गए। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। DIG ललित चाकवार ने कहा कि पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर सफलता प्राप्त की है, जिसमें अभी एक आरोपी फरार चल रहा है जिसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने YouTube में वीडियो देखकर इस वारदात को अंजाम देने का तरीका सीखा था, जिनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पास से लूटपाट किया गया सामान और जेवरात बरामद कर लिए गए। पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है, कल 9:30 बजे एक लूट की घटना आकारित हुई थी नौगांव थाने में, जो कि ईशानगर रोड पर जो ओनर हैं मिस्टर पुरोहित उनके यहाँ पर कुछ बदमाश आके उनके हाथ में वहाँ कट्टा अड़ा के उनका जो मशूका था कम से कम 1 करोड़ का मशूका बैगों में भर के ले गए थे। पुलिस को जैसे ही 10:30 बजे इसकी FIR की गई, जैसी सूचना मिली SP अमित सांगी, एडिशनल SP विक्रम सिंह और अपने मरकाम SDOP तत्काल मौके पर पहुंचे, तत्काल एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सूत्र थे पुलिस के वो बहुत उसको बड़ी संवेदना के साथ उसको यूज़ किया गया और सुबह तक जो आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 अभी फरार है, उसके लिए भी टीम लगी हुई है और पूर्ण रूप से जो उनका मशूका था लगभग 1 करोड़ 1 लाख के आसपास वो पुलिस ने बरामद किया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।